तो आज आप देख ही रहे होंगे कि बीजगणितीय व्यंजक के गुणा के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले अपने अगले वाले वीडियो में बताया है व्यंजक के जोड़ के बारे में और व्यंजक के घटाना के बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। और प्लीज आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि रोजाना के नए नए वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो आप यहाँ बीजगणितीय व्यंजक के गुणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 6, पहली सवाल है 4x प्लस 6 का 5x प्लस 3 में गुणा या गुणनफल क्या कीजिए, गुणा कीजिए, ठीक ऐसे दिया है सवाल ना। तो आप यहाँ देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आप सबसे आसान तरीके से, हम आसान एकदम आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ 4x प्लस 6 और उसके बाद यहाँ क्या लिखा है 5x प्लस 3, ठीक। अब यहाँ देखिए व्यंजक में यहाँ कोष्टक में दो संख्या लिखी है, यहाँ भी कोष्टक में दो संख्या है, तो आप इसको चाहे इसको पहले दो बार लिख ले 4x प्लस 6 और उसके बाद 4x प्लस 6, यहाँ आप इसको दो बार लिख लेंगे। पहली वाली संख्या जो पहला वाला संख्या यहाँ लिखा है तो उसको पहले वाली संख्या के आगे लिख दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह सहित, और दूसरी वाली जो संख्या है उसको भी उतार दीजिए। अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, 5 × 4 = 20, यक्स यहाँ एक घात यहाँ एक घात। तो आप वहां बता रहे हैं कि गुणा जोड़ और घटाने में घात से घातों की तुलना, मतलब घात जो होता है वही घात, घात जब सेम होती है तब जुड़ जाता है या घट जाता है। और इसमें क्या होता है कि घात घात इसमें यक्स के पावर जुड़ता यक्ष के पावर को घात को नहीं जोड़ा जाता है, घात को नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात कहने का अर्थ घात के आगे जो होता है जिसको हम गुणांक कहते हैं, जिसको गुणांक कहते हैं उसी को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ भी इसके पावर एक है, यहाँ भी एक है, तो आप इसको जोड़ देंगे तो गुणा में सदैव घाते जुड़ जाती है और भाग में घाते घट जाती है। तो सिर्फ यहाँ घात आप देखेंगे तो यहाँ भी जुड़ जाएंगी, प्लस इसको जोड़ देंगे 6×5 = 30 यक्स प्लस 4×3 = 12 यक्स प्लस 6×3 = 18, ठीक। अब यहाँ देखिए 20x² हो गया प्लस 20x² हो गया। अब देखिए यहाँ इस स्क्वायर में लिखा है ना, तो यहाँ और कहीं इस व्यंजक में स्क्वायर में नहीं लिखा है, तो आप स्क्वायर में नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, उस वाली संख्या को पहले उतार देंगे, फिर उसके बाद जब यहाँ देखेंगे कि ए वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या है, सेम है, कहने का अर्थ इसका जो गुणांक है वो 30 है और इसका भी गुणांक क्या है 12 है, और इसके पावर कुछ नहीं है, इसके भी पावर कुछ नहीं है, इसीलिए यह क्या है समान है, इसको हम जोड़ देंगे 12 में 30 में 12 जोड़ देंगे तो 2 और उसके बाद 3 × 4 42x + 18, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम आसान तरीके से आप अगले भी सवाल या और भी चाहे जितने बड़े सवाल हो आराम से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं, तो ठीक। जैसे मान लीजिए अब आपको अगली सवाल दे दी जाए, कोई भी अगली सवाल हो तो उसको आप कैसे हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ बताने वाले हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 9x + 6, ठीक 9x + 6 यहाँ 5x + 3, ठीक लिखा है, तो इसका गुणा ज्ञात कर गुणा कीजिए ना। तो यहाँ 9x + 6 और उसके बाद यहाँ 5x + 3, ठीक। अब इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, क्या 9x + 6 का 5x + 3 में गुणा कीजिए, क्या कह रहे हैं गुणा कीजिए, तो आप इसका गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। आप इसको भी आसान तरीके से कर सकते हैं, तो हमने पहले बेसिक से आपको बताया, फिर उसके बाद आपको और भी बड़ा बताएंगे और भी आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए पहले इसको दो बार लिख लीजिए, पहली वाली संख्या को दो बार लिखेंगे तो यहाँ 9x + 6 दो बार लिख लीजिए, तो यहाँ पहली वाली संख्या क्या है 5x और दूसरी वाली संख्या 3। तो अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 9×5 = 45x² प्लस यहाँ भी एक घात यहाँ भी एक घात, जुड़ जाएगी घात है तो दो घात हो जाएगा 6×5 = 30,
यक्स हो जाएगा प्लस नौ त्रिका सत्ताईस यक्स प्लस छत्री अठारह। अब बस क्या करना है कि इस वाले व्यंजक में देखना है कि स्क्वायर वाला पद और कहीं है, तो स्क्वायर वाला पद नहीं है तो इसको पहले उतार दीजिए, चार यक्स पैतालीस यक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ सात और तीन दो पांच यक्स हो जाएगा प्लस अठारह। ठीक, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप वीडियो, आपको वीडियो यदि पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हर रोज के नए नए वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। और इसी तरीके से हम आसान तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में गुणा के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो पूरा जरूर लास्ट तक देखिए, देखा करें, ताकि आपको हर रोज के ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक।